नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम वाटर कलर कैसे करें वो देखेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मिशन गोल्ड वाटर कलर। तो स्टार्टिंग में जो हमें दिख रहा है डार्क कलर, उसके लिए मैं ब्लू कलर जो अल्ट्रावरी ब्लू है उसका एक वॉश लगाऊंगा। तो पूरे फेस पे एक अल्ट्रामरीन ब्लू, हल्का सा वायलेट, उसका वॉश हम उसके ऊपर देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रंट अंबर जो स्किन कलर है उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छोड़ेंगे। जो लेफ्ट साइड में जो डार्क कलर है वहाँ पे और अल्ट्रामरीन एंड वायलेट उसका हल्का सा जो डार्कर टोन है वो भी हम देंगे। नोज के नीचे हम अगेन अल्ट्रामरीन का डार्कर टोन देंगे। हम पूरे पेंटिंग में ब्लैक नहीं यूज करेंगे। जो फेस का जो टेक्चर है वो भी हमें देखना है कि बहुत सारा वो जो टेक्चर से वो भी हमें धीरे 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 छोड़ के अपना पेंटिंग कंप्लीट करना है। जो मुस्ताज का जो और बियर्ड का जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा ग्रे टोन, तो वहाँ के लिए हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रंट अंबर एंड अल्ट्रामरीन ब्लू उसका हल्का सा वॉश हम देंगे। जब बियर्ड करते हैं तो पहले हमें उसके शेड्स एंड लाइट उसका एक मोल्ड करके लेना है। जो बीच बीच में जो स्टैंड्स आते हैं वो भी हमें धीरे धीरे एकदम बारीकी से उसको छोड़ना है। जो आईब्रोज हैं वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू एंड ब्रंट अंबर उसका हल्का सा वॉश, हल्का सा डार्क करके हम वो कंप्लीट करेंगे। अगेन ब्रंट अंबर जो डार्कर स्किन का पार्ट है वहाँ पे हम लेंगे। जो स्किन का टेक्चर है वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रंट सियाना, ब्रंट अंबर हल्का हल्का सा हम टेक्चर देने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है वहाँ पे वायलेट एंड अल्ट्रामरीन ब्लू और ज़्यादा हम ऐड करेंगे। वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हमें वो ब्लैक कलर इतना यूज़ करते हुए जो भी कूल कलर से डार्क साइड के लिए हमें वो यूज़ करना है। जो आइज में जो डेप्थ है उसके लिए हम अल्ट्रामरीन ब्लू उसके अंदर ब्रंट अंबर मिक्स करके जो उसका डेप्थ है वो और डालने की कोशिश करेंगे। उसके डालते समय जो उसके आईब्रोज हैं वो भी हमें बारीकी से और छोड़ना है। हम पूरे पेंटिंग में वाइट किधर भी यूज़ नहीं करने वाले, वाइट एंड ब्लैक हम वाटर कलर भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे।
जहाँ पे और डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे हम थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू उसके परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी हम धीरे धीरे उसके जो डार्कर डिटेल्स है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो स्किन टेक्चर है उसके लिए थोड़ा सा वॉयलेट, थोड़ा सा ब्राउन अम्बर एंड अल्ट्रामरीन उसका एक वॉश हम जो डार्कर पार्ट है वहाँ पे हल्का हल्का सा देंगे। जो टेक्सचर है वहां पे ब्रंट से आना। जो डार्कर पार्ट है वहां पे और अल्ट्रामरीन ब्लू। जो बियर्ड का पार्ट्स है वहाँ पे हमें हल्का हल्का सा और डिटेलिंग करना चालू करना है। धीरे धीरे और हम उसका डार्क बढ़ाते जाएंगे और थोड़ा अल्ट्रामरीन ब्लू उसके अंदर ऐड करेंगे। जो फोरहेड है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करने की कोशिश करेंगे हम। जो स्मॉल हेयर का पार्ट है वहाँ पे भी थोड़ा सा जो हेयर कट है वहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रे कलर करेंगे जो अल्ट्रामरीन एंड ब्रंट अम्बर उससे हम मिला के करने वाले हैं। अभी तक हमने दो तीन कलर ही यूज़ किए हैं जैसे ब्रंट सियाना, ब्रंट अम्बर, वॉयलेट एंड अल्ट्रामरीन ब्लू। इन चार पांच तीन चार कलर से ही पूरा हम स्किन कलर यहाँ पे बना रहे हैं तो उसका जो ऐश का फील है वो हम लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं।
जो हेयर का पार्ट है वहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा येलो ऑकर एंड ब्रंट सियाना उसका हल्का सा वॉश हम पूरे उस पार्ट के लिए देंगे। तो उसके अंदर धीरे धीरे डेप्थ ऐड करने के लिए ब्रांड सियाना उसके अंदर हल्का सा ऐड करेंगे। ऐड करते करते जो छोटे छोटे स्टैंड है उसको भी हम बीच बीच में छोड़ देंगे। जो हेयर स्टैंड है वो एकदम बारीक बारीक से हम अपना वो काम कर रहे हैं। धीरे धीरे और उसके डिटेलिंग हम बढ़ाते जाएंगे फेस पे, थोड़ा सा डार्क उसके कहाँ पे टेक्सचर से वो सब वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद में जो बियर्ड में जो टेक्सचर से जो स्टैंड से उसको हम बारीकी से थोड़ा 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 छोड़ छोड़ के जो एक एक हेयर स्टैंड है उसको आपको बारीकी से छोड़ना पड़ेगा। बियर्ड करते समय वो हम उसको नेगेटिव पेंटिंग कहेंगे। तो एक एक स्टैंड छोड़ के जो बीच बीच में जो डार्क करें हम, तो बीच में जो डार्क है जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउनिश होगा, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश होगा। मीन्स जहाँ पे ज़्यादा लाइट सोर्स है लाइट का पार्ट है वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रंट सियाना ब्रंट अंबर ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे डार्कर बियर्ड्स हैं वहाँ पे आपको अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ ब्रंट अंबर ऐड करना है।
जो बेयर का पार्ट है वो एकदम आपको बारीकी से काम करना पड़ता है उसके लिए, एक एक स्टैंड आपको छोड़ना पड़ता है। जो उसके अंदर का जो नीचे का डेप्थ है वहाँ पे मैं अल्ट्रामरीन एंड ब्रंट अंबर ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, जो पेड़ के नीचे का डेप्थ है उसके लिए। ऊपर के साइड का जो बेड है वहाँ पे थोड़ा सा ब्रंट अंबर ज़्यादा ऐड करूँगा, वहाँ पे ब्लू कम हो जाएगा। वापस जो डेप्थ थे ऊपर साइड का उस वहाँ पे भी थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू एंड ब्रंट अंबर हमने ऐड किया है। जो ऊपर के साइड का जो बियर्ड है वहाँ पे हम थोड़ा ब्राउन ज़्यादा ऐड करेंगे। के नीचे का डेप्थ है वहाँ पे अल्ट्रामरीन, थोड़ा सा वायलेट, थोड़ा सा ब्रंट अंबर, तीनों का मिक्सिंग थोड़ा सा देखिए हम ज़्यादा डार्क ऐड करेंगे। ऊपर के साइड में बियर्ड में थोड़ा सा ब्रंट अंबर हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे हमें ब्राउनिश बियर्ड दिख रही है। इस तरह बियर्ड के नीचे भी थोड़ा सा और हम डार्क ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट में मोस्टली हम फेस टेक्सचर्स जो ऐश है वो हमने देखा, फिर बियर्ड का पार्ट देखा। जो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो नोटिफिकेशन है वो मिलने के लिए आपको जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है। तो देखते रहिए ऐसे ही, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।